नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, श्री राधेश्याम आर मोरारका, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम इकोसिस्टम पार्ट टू पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में इकोसिस्टम पार्ट वन में इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उसकी परिभाषा और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर के बना होता है। ये घटक जैविक या अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक या एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम शामिल करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेटिक डिजाइन को, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स बने होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीन मिलकर के बायोटिक कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। तो आज की इकोसिस्टम पार्ट टू इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये कंसेप्ट्स हैं ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इन कंसेप्ट्स पर चर्चा करने से पहले हम एक बात जानना चाहेंगे कि आज आपने अपने भोजन में क्या खाया था। क्या आपने कोई प्लांट मटेरियल खाया, या फिर आपने कोई ऐसा कुछ खाया जो जीव जब जीवित था तो उसने किसी और ऑर्गेनिज्म को खाया था। तो मनुष्य सहित सभी जीवों को उनके फीडिंग रिलेशनशिप्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हु ईट होम, यानी किसने किसको खाया। और ये क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है इसे ही हम फूड चेन कहते हैं। यद्यपि फूड चेन का जो डिज़ाइन होता है वो इकोसिस्टम के साथ वेरी करता है, भिन्न होता है, लेकिन सभी फूड चेन्स एक सेम बेसिक ट्रॉफिक लेवल से बनी होती हैं। अधिकतर फूड चेन्स में पांच ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, लेकिन ये जो संख्या है वो इकोसिस्टम के कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। इकोसिस्टम में यदि कम स्पेसेस होंगी तो वो तीन ट्रॉफिक लेवल से भी फूड चेन का फॉर्मेशन कर सकती हैं। जो पहला ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन का, उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और यह प्लांट्स से बना होता है। इस लेयर के या लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। वे अपनी एनर्जी डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे प्राप्त करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करके भोजन का निर्माण करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, यानी ये जो पहला लेवल जो ट्रॉफिक लेवल बनाता है, ये पूरी फूड चेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि आगे फिर नेक्स्ट जो लेवल हैं कंज्यूमर्स के उनमें पास ऑन होती है। तो इस तरह से ये ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब या इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रॉफिक लेवल से। ट्रॉफिक लेवल ग्रीक वर्ड ट्रॉफिक से बना है। ट्रॉफिक का मतलब होता है टू फूड और फीडिंग। इट ट्रॉफिक लेवल रेफर्स टू द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। ये ट्रॉफिक लेवल जो है एक्चुअल में है क्या, ये किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की पोजिशन को दर्शाता है। यानी खाद्य श्रृंखला है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है उसको ये ट्रॉफिक लेवल शो करते हैं। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल उतने ही होते हैं जितने किसी फूड चेन में स्टेप्स होते हैं। तो कोई फूड चेन कितने स्टेप्स से मिलकर के बनी होती है, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या क्वार्टनरी कंज्यूमर, तो जितने स्टेप्स से मिलकर के बनी होगी उतने ही संख्या में ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स हमेशा पहला ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, जिसे हम T1 से निरूपित कर सकते हैं, और ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो पहला जो जो बेस होता है ट्रॉफिक लेवल का वो किससे बनता है, ग्रीन प्लांट से। इस प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं प्लांट ईटर्स, जिसे हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं या शाकाहारी जीव कहते हैं। तो ये शाकाहारी जीव जो प्लांट्स को खाते हैं या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल या T2 को दर्शाते हैं। तो T1 प्रोड्यूसर्स है, T2 हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर से बनता है।
अब इन हर्बीवोर्स को आगे फिर कार्निवोर्स के द्वारा खाया जाता है, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल को शो करते हैं और इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स जो प्लांट से बनता है, दूसरा ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स जो शाकाहारी जीवों से बनता है, तीसरा ट्रॉफिक लेवल वो कार्निवोर्स या मांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, और फिर उसके बाद इन शाका जो ये मांसाहारी जीव हैं ये आगे फिर से बड़े मांसाहारी जीवों द्वारा खाए जाते हैं। तो ये कार्निवोर्स फिर दूसरे कार्निवोर्स के द्वारा जो जनरली साइज में बड़े होते हैं उनके द्वारा खाए जाते हैं, और ये ट्रॉफिक लेवल T4 का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम टर्शरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो दोनों ही प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों को ही खाने का काम करते हैं, इन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है, जैसे कि क्रो, बियर, भालू, कौवा आदि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, एक से ज़्यादा पोषक स्तर को ये शो कर सकते हैं। तो ये तो था ट्रॉफिक लेवल्स, अब हम पढ़ेंगे फूड चेन। तो ये ट्रॉफिक लेवल की संख्या में कितने होंगे, जितनी फूड चेन के स्टेप्स होते हैं। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी है, इकोसिस्टम में वन में प्रोसेस होता है एनर्जी का, तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बींग ईटन लिंक इज कॉल्ड ए फूड चेन। फूड चेन में बार बार खाए जाने की घटना पाई जाती है। तो द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी फ्लोज इज नोन एज फूड चेन। तो सिंपल भाषा में हम कहें तो ऑर्गेनिजम्स का ही सीक्वेंस है जिसमें एनर्जी जिस एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है। तो ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन ईच अदर, जैसे ग्रासलैंड में यदि हम देखें तो ग्रासेस को ग्रास होपर के द्वारा खाया जाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को फिर स्नेक खा सकता है, और फिर स्नेक को ईगल या हॉक खा सकता है। तो ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ये फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स एंड एंड्स विद टॉप कार्निवोर्स। तो ये स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से और इसका जो समापन है वो टॉप कार्निवोर्स के द्वारा होता है। प्रकृति में फूड चेन दो प्रकार की होती हैं। इन खाद्य श्रृंखलाओं को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, पहली कहलाती है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी कहलाती है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो ग्रेज करते हैं यानी यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट से शुरू होती है ये फूड चेन। तो द कंज्यूमर्स विल स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट्स एज देयर फूड कंस्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ पर प्लांट पार्ट से ये खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है फिर आगे कंज्यूमर्स में जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द ग्रास इज ईटन बाई ए कैटरपिलर विच इज़ ईटन बाई लिजर्ड एंड लिजर्ड इज ईटन बाई ए स्नेक। तो अगर हम स्थलीय इकोसिस्टम में देखें तो घास को कोई कैटरपिलर खाता है, उस कैटरपिलर को छिपकली खा जाती है, छिपकली को सांप खा जाता है, इस तरह से ये ग्रेजिंग फूड चेन चलती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये ग्रेजिंग फूड चेन ये सबसे पहला जो पोषक स्तर है या प्रोड्यूसर्स हैं तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, सूक्ष्म प्लवक जिसे कहते हैं या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये उसका बेस बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खाते हैं विच आर ईटन बाई फिशेज, और इन फिशेज को फिर पेलिकन्स खाते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो कि फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती है जू प्लैंक्टन फिशेज और पेलिकन्स तक जा करके समाप्त होती है। तो ये कहलाती है ग्रेजिंग फूड चेन। आप इस चित्र में भी देख रहे हो प्लांट्स हैं जिनको कैटरपिलर खाते हैं, उन्हें फिर फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और फिर स्नेक को आउल या फिर होक या काइट या ईगल खा सकते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन ये हमेशा ग्रीन प्लांट से प्रारंभ होती है जिनको हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स जो कि आगे टॉप कार्निवोर्स तक पहुंचते हैं। दूसरी टाइप की फूड चेन कहलाती है डेट्रिटस फूड चेन। ये फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होती है जो कि एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। ग्रेजिंग फूड चेन प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट से प्रारंभ होती है, डेट्रिटस फूड चेन ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होती है।
ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिराइव फ्रॉम द डेड प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर एक्सक्रीटा। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर में कौन शामिल होता है? प्लांट्स की डेथ होने के बाद या एनिमल्स की डेथ होने के बाद या इनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक मैटर जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। दिस टाइप ऑफ फूड चेन इज प्रेजेंट इन ऑल इकोसिस्टम। सभी इकोसिस्टम में इस तरह की फूड चेन पाई जाती है। तो अब द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रांसफर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डेटेटस कंज्यूमर्स, जिन्हें हम डेटेटिवोर्स भी कहते हैं। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को सबसे पहले जो डेटेटिवोर्स हैं वो खाते हैं, फिर ये ट्रांसफर करते हैं स्मॉल कार्निवोर्स को, स्मॉल कार्निवोर से जाती है लार्ज कार्निवोर्स में, और इस तरह से बार बार खाए जाने की घटना संपन्न होती है। तो डेटेटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होती है और इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ इन पर डेटेटिवोर्स क्रिया करते हैं, इनको इनका अपघटन करते हैं, इन जिन्हें स्मॉल कार्निवोर्स अपना भोजन बनाते हैं, और फिर उनको लार्ज कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स के द्वारा खाया जाता है। तो इस तरह से दो फूड चेन या खाद्य श्रृंखलाएँ प्रकृति में चलती हैं, पहले को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरे को कहते हैं डेटेटस फूड चेन। ये डेड लीव्स हैं, ये वुडलोज के द्वारा खाई जाती हैं और बदले में इसको फिर ब्लैक बर्ड खा जाता है। तो इसके लिए जो ओडम ने फ्लोरिडा की मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं राइजोफोरा मैंगल, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनकी जो लीव्स हैं शैलो वाटर बॉडीज में गिरती रहती हैं, लेकिन इनमें से इसका कुछ परसेंट पार्ट ही अपघटित होता है, बाकी भाग में ये जो डेटेटिव वोरस जो है वो इनको खाते हैं। तो ये डेटेटिवोर्स फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंजाई जो होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं। इनके साथ ही फाइटोप्लैंक्टन या बेंथिक एल्गा। तो ये बेंथिक एल्गा या फाइटोप्लैंक्टन और ये जो डेड मटेरियल है मैंग्रोव लीव जो गिर जाती हैं, उसके बाद इनका अपघटन प्रारंभ होता है डेटेटिवोर्स के द्वारा, जिसमें फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ आदि शामिल होते हैं। तो ये सब मिलकर के इनका अपघटन करते हैं और फिर उसके बाद में ये कुछ जीवों के द्वारा खाए जाते हैं, जिसमें नेमेटोड्स, एम्फीपोड्स, इंसेक्ट लार्वी, ग्रासशेम्स, माइसिड्स आदि होते हैं। तो ये डेटेटस को खाने वाले, इनको डेटेटस कंज्यूमर्स कहा जाता है। इन्हें फिर स्मॉल कार्निवोर्स खाते हैं, जिनमें मिनोज, स्मॉल गेम, फिश एट्सेट्रा शामिल होती हैं, और ये फिर लार्ज कार्निवोर्स जिसमें बड़ी साइज़ की फिश जो होती हैं वो शामिल होती हैं, वो इन्हें खाती हैं। और इस तरह से प्रकृति में डेटेटस फूड चेन चलती रहती है। तो मैंग्रोव लीव्स का जो अपघटन है ये डेड लीव्स जो हैं वहाँ से प्रारंभ होता है, डेटेटस से प्रारंभ होता है, डेटेटिवोर्स इन पर क्रिया करते हैं, जिन्हें बदले में फिर कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं, फिर जो छोटे कार्निवोर्स और फिर टॉप कार्निवोर्स के द्वारा इनका भक्षण कर लिया जाता है। ये जनरलाइज्ड मैंग्रोव फूड वेब आपको दिखाई दे रही है, वही ये जो मैंग्रोव हैं उनकी लीफ गिरती हैं, फिर उनके ऊपर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई ये सब क्रिया करते हैं। ये लीव्स जो हैं या डेट्रिटस है ये प्रॉन, क्रैब, मोलस्क आदि के द्वारा खाया जाता है। इनको फिर आगे फिश, पेलिकन, हेरोन आदि भोजन बनाते हैं। तो ये तो थी फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम लिविंग ग्रीन प्लांट्स, गोज टू हर्बीवोर्स एंड ऑन टू कार्निवोर्स, डायरेक्टली डिपेंड ऑन इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन। यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन है ये सोलर रेडिएशन के इन्फ्लक्स पर डायरेक्टली रिलेटेड होती है और अधिकतर जो फूड चेन है वो इसको फॉलो करती हैं। डेट्रिटस फूड चेन ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जाती हैं और फिर ये उन ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचती हैं जो डेट्रिटस पर फीड करते हैं, जिन्हें हम डेट्रिटिवोर्स कहते हैं। तो इस तरह से हम दोनों ही चेन, फूड चेन में डिफरेंस कर सकते हैं। जब बहुत सारी फूड चेन मिल करके एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाती हैं तब हम उसे कहते हैं फूड वेब। तो ये फूड वेब इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड फूड चेन्स का एक नेटवर्क होता है। इसमें बहुत सारी फूड चेन एक ही इकोसिस्टम में मिलती हैं और ये फूड चेन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स सो एज टू फॉर्म ए नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी।
ये सब मिलकर के फूड वेब या खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हो कि एक ही चित्र में ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ये पिक्चर है, जिसमें पॉसिबल 5 पॉसिबल फूड चेन एक साथ दिखाई दे सकती हैं। ग्रासेस को रैबिट खा सकता है, रैबिट को फिर हॉग के द्वारा खा लिया जाता है, इसी ग्रास को चूहे के द्वारा भी खाया जा सकता है और ये चूहा हॉग का शिकार भी बन सकता है। ग्रास को चूहा खाता है, चूहे को फिर स्नेक खा सकता है और ये सांप फिर हॉग के द्वारा खाया जाता है। इसी तरह ग्रासेस को ग्रास होपर्स खा सकती हैं, ग्रास होपर्स को फिर लिजर्ड या छिपकली खाती है और छिपकली को फिर हॉक खा सकता है, या ये हॉक या बाज या काइट ईगल ये डायरेक्ट ग्रास होपर को भी खा सकता है। तो हम देखते हैं कि प्रकृति में बहुत सारी फूड चेन मिल करके इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाती हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का, और इसी नेटवर्क को हम फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। तो सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने ये कंसेप्ट दिया था। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का जो कंसेप्ट है वो चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में दिया गया था। इकोलॉजिकल पिरामिड कहते किसे हैं? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का। ये पैरामीटर्स कौन हो सकते हैं? नंबर हो सकता है, बायोमास हो सकता है, या फिर एनर्जी हो सकती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, नंबर के, संख्या के, बायोमास या जैव भार के, या फिर ऊर्जा के, तो इन सबको जब हम किसी ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तब उससे इकोलॉजिकल पिरामिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये पैरामीटर्स लाइक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट और अमाउंट ऑफ बायोमास सिंथेसाइज्ड, या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। तो किसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट, कितने संख्या में कितने जीव मौजूद हैं, या उन्होंने कितना जैव भार सिंथेसाइज किया, या फिर कितनी एनर्जी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर संचित हुई। जब हम इन पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, तो यही इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाते हैं। ये पिरामिड शो करते हैं कि कितनी एनर्जी प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र हुई है। इसमें पिरामिड्स का जो बेस है वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनता है, और ये प्रोड्यूसर्स जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा इनका इकोलॉजिकल पिरामिड्स का बेस बनता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी संख्या के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड। तो 3 टाइप के पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स जो अपराइट और इन्वर्टेड हो सकते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी अपराइट और इन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधे ही होते हैं, अपराइट, ऑलवेज अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अब डिटेल में इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो संख्या के जो पिरामिड हैं वो किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या क्या दर्शाते हैं? ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर जो पॉपुलेशन है उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, यानी प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने जीव कितनी संख्या में मौजूद हैं, ये रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ नंबर। ये हर ट्रॉफिक लेवल पर जीवों की संख्या बताता है। इसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर लेवल पर वो वेरी करते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंट इकोसिस्टम में जो नंबर ऑफ पिरामिड है इनकी शेप अलग अलग हो सकती है। यूजुअली ये अपराइट होते हैं, तो अधिकतर तो ये अपराइट पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड इकोसिस्टम में या पोंड इकोसिस्टम में, क्योंकि इनका जो बेस होता है प्रोड्यूसर से बनता है। ग्रासलैंड में ग्रासेस काफ़ी संख्या में होती हैं, पोंड के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो काफ़ी संख्या में जो इसका बेस है या प्रोड्यूसर्स को बनाते हैं। तो इनमें अपराइट जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो पाया जाता है। स्पिंडल शेप्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कुछ अलग शेप का, ऑलमोस्ट अपराइट जो होता है उस शेप के पिरामिड ऑफ नंबर बनते हैं, लेकिन जो पैरासिटिक फूड चेन होती है इसमें ये पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। तो देखते हैं चित्र में, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है ए एंड बी जो है
ये दर्शा रहे हैं ग्रासलैंड और पोंड इकोसिस्टम को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रासेस की संख्या ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करने वाले जो हर्बीवोर्स हैं उनकी संख्या ग्रासेस की तुलना में कम है। फिर इन हर्बीवोर्स पर जो प्राइमरी जो कार्निवोर्स हैं या जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, उनकी संख्या इनकी हर्बीवोर्स की तुलना में कम है। और फिर जो टॉप कार्निवोर्स हैं ये संख्या में काफ़ी कम है। इसी तरह से जो पोंड इकोसिस्टम है इसे फाइटोप्लैंक्टन्स ये बनाते हैं, इसका बेस या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। इन पर डिपेंड करने वाले जो हर्बीवोर्स हैं वो संख्या में इनकी तुलना में कम होते हैं। और ये हर ट्रॉफिक लेवल पर, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर ये जो संख्या है वो घटती चली जाती है। तो इसलिए ग्रासलैंड और पोंड इकोसिस्टम का जो संख्या का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। फिर बात करते हैं हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो बेस है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो नंबर ऑफ जो ट्रीज़ हैं वो इन पर पाए जाने वाले जो हर्बीवोर्स हैं उनकी तुलना में कम होता है। एक जो ट्री है उस पर ही बहुत विभिन्न प्रकार के जो बर्ड्स हैं, पक्षी रह सकते हैं, इंसेक्ट्स रह सकते हैं, अनेक तरह के जीव रह सकते हैं, तो इसलिए उनकी संख्या उनसे ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बाद ये सक्सेसिव जो ट्रॉफिक लेवल हैं हर्बीवोर्स के बाद ये संख्या निरंतर घटती जाती है। तो ऑलमोस्ट अपराइट या इसे स्पिंडल शेप्ड जो पिरामिड है वो कहा जाता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पूछें या फिर ट्री इकोसिस्टम पूछें, इन दोनों के अंदर ही जो इकोसिस्टम की शेप है वो ऑलमोस्ट अपराइट कहलाती है। अब जो लास्ट डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ये पैरासिटिक फूड चेन को दर्शाता है। इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो संख्या में कम हैं, उन पर पाए जाने वाले जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, वो हर्बीवोर्स बनाते हैं तो ये संख्या में उससे ज़्यादा हैं। उस पर फिर जो पैरासाइट्स हैं हर्बीवोर्स के ऊपर वो साइज में छोटे होते हैं लेकिन संख्या में ज़्यादा होते हैं। और इन पैरासाइट्स पर हाइपर पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो संख्या में और भी अधिक होते हैं। तो इस तरह से पैरासिटिक फूड चेन में जो संख्या का पिरामिड है या पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ग्रासलैंड और पोंड में ये सीधा होता है, फॉरेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट अपराइट या जिसे स्पिंडल शेप्ड कहते हैं, और जो पैरासिटिक फूड चेन है उसके अंदर ये हमेशा उल्टा होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड एंड पोंड इकोसिस्टम, ये दोनों में आप देख सकते हो पिक्चर में, तो हमेशा सीधे होते हैं ग्रासलैंड एंड पोंड इकोसिस्टम के। पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो इस पेड़ के ऊपर जो हर्बीवोर्स हैं, खाने वाले जो जीव हैं, वो साइज में छोटे बड़े सभी तरह के हो सकते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद इस पे जो कार्निवोर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स, ये संख्या में कम होते हैं। तो ये पार्शली अपराइट या फिर स्पिंडल शेप्ड होता है। ये पिरामिड ऑफ नंबर है पैरासिटिक फूड चेन का। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्निवोर्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड हर्बीवोर्स। तो जो कार्निवोर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है किसे, प्रोड्यूसर्स और हर्बीवोर्स से। तो इसलिए पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन इज अप इन्वर्टेड। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। तो पहले तो ये पता होना चाहिए बायोमास या जैव भार क्या होता है। तो किसी दिए गए समय पर किसी भी क्षेत्र के अंदर जो लिविंग मैटर एग्जिस्ट कर रहा है उसका जो टोटल वेट जब हम करते हैं तो वो उसके जैव भार को दर्शाता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के पर यूनिट एरिया में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं उन पर कितना बायोमास उत्पन्न हो रहा है ये पिरामिड ऑफ बायोमास के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको ग्राम्स पर मीटर स्क्वेयर या फिर कैलोरीज पर मीटर स्क्वेयर में मापा जाता है। बायोमास या जैव भार के पिरामिड दो तरह के होते हैं। पहले वाले में हमने चार तीन तरह के देखे, अपराइट, पार्शली अपराइट या स्पिंडल शेप्ड, और तीसरा इन्वर्टेड। यहाँ पे दो ही होते हैं, एक तो सीधा होगा एक उल्टा होगा, यानी अपराइट एंड इन्वर्टेड। दो तरह के पिरामिड्स हम देख सकते हैं, अपराइट पिरामिड फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और इन्वर्टेड फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक इकोसिस्टम। अभी कैसे क्या डिफरेंस है दोनों में, तो जैव भार जो है उसमें अंतर होता है। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, चाहे वो ग्रासलैंड हो या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, बायोमास या जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। लेकिन जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टोन्स बनाते हैं, उनका जैव भार बहुत कम होता है, उन पर फिर हर्बीवोर्स मछलियाँ हैं वो उनकी तुलना में जैव भार ज़्यादा दर्शाती हैं। जो टॉप कार्निवोर्स हैं इनका जैव भार और अधिक होता है, इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम का जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। तीसरी तरह की पिरामिड जिसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं एग्ज़ाम में कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है या पार्शली अपराइट होता है, तो ये हमेशा ही सीधा होता है क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये पिरामिड फ्लो ऑफ एनर्जी यानी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको शो करते हैं। ये बताते हैं कि ऊर्जा की जो मात्रा है हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर कम होती है सबसे, और जो लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल है उस पर ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर सक्सेसिव लॉस होता है एनर्जी का, किस रूप में? हीट एंड रेस्पिरेशन के रूप में। तो ऊर्जा के जो पिरामिड हैं वो हमेशा सीधे होते हैं, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर ये ऊर्जा के ट्रांसफ़र या फ्लो ऑफ एनर्जी को दर्शाते हैं। सबसे निचला जो स्तर है वो ट्रॉफिक लेवल, वहाँ पर एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होती है या वहाँ के जीव जो हैं अधिक एनर्जी प्राप्त करते हैं, और जो ऊपर की जो लेवल हैं ट्रॉफिक लेवल वहाँ पर ये कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हर जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पर ऊर्जा का ह्रास होता है हीट एंड रेस्पिरेशन। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे ऑटोट्रॉफ, ये अधिक एनर्जी प्राप्त करते हैं। इनमें जो सबसे कम एनर्जी जो है वो होगी टॉप कार्निवोर्स, जिसे हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। तो हाईएस्ट या मैक्सिमम एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स को और सबसे कम एनर्जी टॉप कार्निवोर्स को। इस तरह से जितनी छोटी फूड चेन होगी एनर्जी उतनी ही अधिक उस ट्रॉफिक लेवल पर प्राप्त होगी। तो द शॉर्टर फूड चेन हैज़ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इवन एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। तो छोटी फूड चेन पर एनर्जी अधिक मिलेगी, अगर ज़्यादा बड़ी फूड चेन है जितने ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल हैं तो हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, तो जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है उसको सबसे मिनिमम जो है एनर्जी है वो प्राप्त होती है। तो एनर्जी का पिरामिड जो है इसको किसी इकोसिस्टम के जो ट्रॉफिक लेवल हैं उसके फंक्शनल रोल को समझाने के लिए बेस्ट होता है या सुटेबल होता है, इसके द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि 1000 जो किलो कैलोरी हैं ये प्राप्त करते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी निर्धारित दिन में, उन्होंने इतनी लाइट एनर्जी प्राप्त की। तो अब बहुत सारी जो एनर्जी है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती, इस बहुत सारा इसका जो भाग है वो वापस रिफ्लेक्टेड भी हो जाता है। तो ये ग्रीन प्लांट्स इसका केवल कुछ ही पोर्शन एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और उनमें से कुछ पार्ट ये अपने खुद के लिए भी रेस्पिरेशन में काम में ले लेते हैं, अपनी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म में काम में ले लेते हैं। तो अब ये जो 1000 किलो कैलोरी थी उसमें से केवल 10% यानी कि 100 कैलोरीज ही स्टोर्ड हो पाती हैं एनर्जी रिच मटेरियल्स के रूप में। अब सपोज करो कि कोई एनिमल इन प्लांट्स को खाता है जिसमें 100 कैलोरी फूड एनर्जी है, तो तब ये एनिमल उसका केवल कुछ भाग ही अपने मेटाबॉलिज्म के लिए काम में लेता है, तो इसकी केवल 10 कैलोरीज ही फूड एनर्जी के रूप में स्टोर कर पाता है। तो अब पहले 1000 थी, फिर 100 होगी, अब 100 से इन इसने जो कंज्यूमर्स हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स, इन्होंने केवल 10 कैलोरीज फूड एनर्जी को स्टोर किया। जो टॉप कार्निवोर है जैसे ईगल हॉक लॉयन दैट ईट्स द एनिमल्स गेट्स एन इवन स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो इस टॉप कार्निवोर्स हैं या टर्शरी कंज्यूमर्स हैं ये बहुत कम अमाउंट में ही एनर्जी प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से यूजेबल एनर्जी डिक्रीजेस वाई पासिंग फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर टू कार्निवोर। तो जो यूजेबल एनर्जी है वो सनलाइट से पास होकर के प्रोड्यूसर्स के पहुंचती है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर से कार्निवोर्स में पहुंचती है, लेकिन ये हमेशा डिक्रीज होती जाती है, और इसीलिए एनर्जी का जो पिरामिड है वो ऑलवेज अपराइट होता है।
तो इसमें भी आप देख सकते हो प्रोड्यूसर्स 100% उसका फिर बाद 10% ही प्राप्त करते हैं, फिर 1% रह जाता है 10 का, और फिर 0.1%। तो हर जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर ऊर्जा का हास देखने को मिलता है। तो ये आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़े। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को शो करती है, हमेशा अपराइट होते हैं पिरामिड। जो जैव भार के पिरामिड हैं, ये ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ बायोमास फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। ये बायोमास के पिरामिड दोनों तरह के हो सकते हैं, अपराइट भी हैं और इन्वर्टेड भी हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर। ये अधिकतर तो अपराइट होते हैं लेकिन डिफरेंट शेप हो सकती है, जैसे हमने देखी स्पिंडल शेप्ड है, और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस इकोसिस्टम पार्ट टू में कुछ इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स शामिल हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।